Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please So hey guys, welcome back to another vlog. तो आज का vlog कुछ ऐसा है कि धूप आ गया है. आज का vlog कुछ ऐसा है कि हम अपने पुराने घरों में जा रहे हैं जहाँ पे हम पहले रहते थे, और अभी मैं और काकू जाएंगे वहाँ पे, सब कुछ दिखाएंगे आपको. पहले हम कैसे रहते थे, हमारा बचपन वहाँ पे कैसे निकला है, और अभी हम जाएंगे अपनी धूम मचाले से, और अभी निकलेंगे हम और वहाँ पे दिखाएंगे आपको क्या क्या हमने कैसे कैसे वहाँ पे हमने अपना बचपन काटा है. और काकू भी है मेरे साथ आज फिर से बहुत दिनों बाद. चलते हैं, बाय. अब सीधा वहीं पर दिखाएँगे आपको. बाय. पेट्रोल ले जा, चेक कर लेंगे ना. इधर वापिस ना, देखो ना. सो गाइस, जो ये वाला रास्ता है ना, ये वाला इधर वाला, ये गया काड़ बड़े को रास्ता के. दूसरा गांव है. दूसरा गांव है इधर. उस गांव का नाम है काड़बन. काड़ाबन. 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 और देखो कितना मुश्किल रोड है हमारे गांव तक पहुंचने के लिए. ऐसे तो हरा भरा ही है. ये देखो नाम ही है काला इसका. हमें यहाँ पे ये भी क्रॉस करना पड़ेगा. दिखा ये क्या. ओ फुल ऑफ रोडिंग. यहाँ पे हमें अपने गांव तक पहुंचने के लिए ये सारी एक खड्ड पार करनी पड़ेगी. खड्ड पार करनी पड़ेगी. खड्डो भाई मिलते हुए और यहाँ पे रास्ते में मुलाकात होते हुए हमारी पंकु भाई जी से. नहीं पता निकल लो, दिख दे ना. गाइस, यहाँ हम पहुँच चुके हैं अपने पुराने घरों के पास, और यहाँ पे बहुत ही मशहूर आम के पेड़, जो कि लोग बहुत दूर दूर से आते थे इनको खाने के लिए. दिल्ली तक पहुँचते थे इनके आम. इन दोनों पेड़ों के आम जो है दिल्ली तक पहुँचते थे, इतने मीठे होते थे. और कुछ ऐसा है, ये है एक पूरा हिस्सा इतना सा, जो ये ऐसे करके इतना सा पिंड है हमारा, मतलब जो गाँव था. और ये सारे खेत अपने हैं ये. और ये वाला आम बहुत मशहूर है. क्या बोले आम इसको, इसको बोलते हैं क्या, कुंदे आम पे, छेके आड़ा. छेके आड़ा आम पे जो आपको दिखा दिया हमने. और चाहिए हो आम तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं ले आऊँगा. अच्छा अभी तो है नहीं फिलहाल, पर जब होएंगे तब. अच्छा तो गाइस, अब बहुत खुशी हो रही है इतने दिनों बाद अपने पुराने घर पे जाते हुए. नमस्ते चाचा, ठीक ठाक ना. बस बढ़िया बढ़िया. सो ये रहा हमारा पुराना घर. ये बगीचा और ये नीचे रूम था एक, और ये रहा पूरा हमारा पुराना घर, जो आपको दिखाता हूँ मैं पूरा अच्छे से. ये रहा टेनेंट, ये देख सकते हो आप. ये हमारा किचन था जो पहले था यहाँ पे, और एक रूम था ये रे. इसके अंदर दो रूम थे, एक यहाँ पे था और एक इस साइड था, एक ऊपर था. उसको हम बोड़ी गलाते हैं, बोड़ी गलाते. और ये रहा मंदिर, छोटा सा मंदिर भी था, और ग्रीले भी लगी हुई हैं तब के. और यहाँ पे भी एक आम का पेड़ था, वो भी बहुत मस्त था. तो ये था हमारा पुराना घर, यहाँ पे जो है हमारी सारी यादें जुड़ी हुई हैं. ये भी है कुछ, मेरे को पता नहीं है. Oh,
हैं आपको यहाँ पे, बहुत हादसे हुए हैं यहाँ पे मेरे साथ ही हुए, और वो भी जो कि ये जगह है, इस जगह के बारे में बताता हूँ आपको। देखो ये हुआ था कुछ ऐसा कि आपको अभी दिखाता हूँ मैं वो चीज़ करके, पहले फिर दिखाता हूँ क्या हुआ था मेरे साथ यहाँ पे। 2000 years later. और कुछ ऐसे इधर और चीजें हैं आपको दिखाता रहता हूँ आपको। सो गाइस मेरे को बहुत देर बाद मेरे सब्सक्राइबर मिलते हुए, अब मिलवाता हूँ अपने सब्सक्राइबर से। ये देखो ये रहे मेरे सब्सक्राइबर। हेलो गाइस कैसे आप सब, देखेंगे दिक्कत है वहाँ फोटो खिंचा नहीं है लगा। सो ये देखो गाइस यहाँ से एक बहुत बढ़िया है लोकेशन है यहाँ से देखो, जो कि वो अपनी ये भी सारी अपनी जमीन है पूरी, ये भी अपना ही है सारा और ये भी एक लोकेशन है। इस जगह का नाम है, यहाँ से जो है बंदरों को भगाया जाता था, क्योंकि बंदर जो है खेत को खराब करते थे, इसलिए यहाँ से बंदरों को भगाया जाता था, यहाँ बैठ के करते थे। ओए ओए चोए चोए, अरे कहना क्या चाहते हो, ये कर दे तो दे बेगिर के इतने कने हाड़ा। एक बंदा गुआची ये जीतू भाई है, पता नहीं कुतू है, तू त्यार है नाले च बोलिया जीतू भाई वो आई आवाज नाले पे और तू दे आई है। अब एक और जगह लेके जाएंगे हम आपको यहाँ पे, और ये देखो ये भी ऐसे कुदू भी है ना, इनको कराना है बोल दे, अपनी भी है इधर, इतो अपनी भी ही है टूटी हो कना, हुन क्या कर सकते, टूटी है तो हुन बनाना है, कहे बनानी तो होने, इतू रहने नहीं था पर रहने है यहाँ कने, बीच में पहाड़ी बोल रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन कोई नहीं, जो हिमाचली होंगे उनको तो समझ आएगी आएगी। और बहुत ही मज़ेदार जगह है यहाँ पे, दिखाता हूँ आपको। थक जाते हैं भाई, बहुत टाइम बाद आए हैं ना यहाँ पे, तो चल चल के भी थक जाते हैं। सो गाइस ये मेरी लोकेशन होती थी यहाँ पे, मैं जो है दो नंबर करता था यहाँ पे मेरी लोकेशन होती थी, क्योंकि यहाँ पे पास होता था, ये घरों के पास ही, यहीं पे मैं आ जाता था करने। अंजल आइए, गड्डी की चला इधर चल चलो गड्डी दूजे चला दे। टाइम हम अपने घर को बाय बाय करते हुए, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से, बाय बाय नहीं नरा सब्सक्राइबर बोलते इनको, पाड़ सूट दसीते हुए दसीते थल्याड़ा कर कमरा भी। सो गाइस देखिए यहाँ पे हरे भरे फूल लगे हुए हैं, और घर की सब्जी गोभी टमाटर फूल, और ये है हमारे चाचा का घर। ओह माय गॉड, वाओ। तो अभी ख़त्म तो नहीं करेंगे, लेकिन अब हम अपने घर जाएंगे वापस, जो कि हमने दिखा दिया आपको, यहाँ यहाँ ऐसे रहते थे और जाए हमारे, मतलब जो कि
घर के रिश्तेदार भी हैं यहाँ पे, उनके घर पे भी जाया है। नाश्ता चाय वगैरह खाना वगैरह हो गया था, खा लिया था। अब हम जा रहे हैं अपने घर वापस इन पहाड़ों से, मतलब पहाड़ों से नहीं, मतलब वही मुश्किल रास्तों से। आपने देखा था कैसा रास्ता है यहाँ का, लेकिन मज़ा आया। बहुत टाइम बाद आया यहाँ पे, तो चलते हैं दिखाते हैं आपको। तो गाइस अब पहुँच चुके हैं हम अपने घर पे। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, छोटा सा ब्लॉग था। और वो जो है ना लाल सा बटन जरूर करें, दबा दें बस सब्सक्राइब। बाय बाय।